أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم سورة بقرة आयत नंबर 152। अज़ीज़ान मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना सच्चे और पक्के मोमिनीन में इबादत के शौक़ और इबादत की रग़बत को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के ऐसे संगीन हालात में जब आया है, तो वो सच्चा मोमिन जो आखिरत की अदालत को पेश नज़र रखे, जो आखिरत के दिन के हिसाब व किताब को पेश नज़र रख कर लर्ज़े, कांपे, डरे, तो यकीनन इस माह मुक़द्दस में पहले से ज़्यादा इबादतें और रियाजतें करने की सआदत हासिल करेगा। यकीनन ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हर मोमिन बंदे को अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी, इताअत की पाबंदी पर उभारता है। ईमान के मुआफिक, ईमान के मुताबिक, ईमान की सिमिलैरिटी में वो सारे आमाल को इख्तियार करने की दावत देता है, जिसकी वजह से उसका ईमान और बढ़ता है। एक दस्तूरी उसूल भी है, मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि महबूब की पसंद और महबूब की नापसंद दोनों ही बातों का मुकम्मल ख्याल रखना एक मोमिन बंदे पर लाजिम, ज़रूरी और फ़र्ज़ है। पसंद में भी इताअत, फरमाबरदारी, मुआफ़िकत, सिमिलैरिटी हो, और अल्लाह की नापसंद में भी इताअत, फरमाबरदारी और सिमिलैरिटी हो। जब सख्ती से पूरे शौक़ और मोहब्बत के साथ इस बुनियादी उसूल को अपना लिया जाएगा, तो फिर ये बात तय है कि महबूब का महबूब बनना आसान हो जाएगा। मैंने आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 152 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। इसमें अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा उसूल बयान फरमा रहे हैं। क्या फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला कि फस्कुरूनी, तुम मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम, तो पस में तुम जो ही मुझे याद किए मैं भी तुम्हें याद करूंगा, वश्कुरूली, और मेरा शुक्र करो, मेरी शुक्रगुजारी को इख्तियार करो। और आयत के आखिर में फरमाया कि वला तकफुरून, यानी मेरे जिक्र और शुक्र दोनों को छोड़कर, नज़रअंदाज करके कुफ्र मत करो। जिक्र का मतलब क्या है? जिक्र का मतलब है हर इबादत में, हर हुक्म में, हर बात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर फरमान पर लब्बैक कह देना, हाजिर हूँ मैं कह देना, और उस हुक्म को, उस बात को, उस इबादत को पूरे शौक़ और खौफ के साथ इख्तियार करना, यही जिक्र है। और शुक्रगुजारी का सबसे बेहतरीन जरिया भी यही है। शुक्र का मतलब यह है कि मुनइम यानि इनाम देने वाला पहले से ज्यादा उसका जिक्र करे, पहले से ज्यादा उसको याद करे, यह शुक्र है। कोरोना वायरस COVID-19 यकीनन एक बड़ी वबा, बड़ी बला है, लेकिन इसके बावजूद रमज़ानुल मुबारक का यह मुक़द्दस महीना मोमिनों के हक़ में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक अजीम तोहफे की शक्ल में आया है। यकीनन
घरों में अमन चैन सुकून से हैं, इबादतों की तौफीक है, तौबा की मोहलत मिली हुई है। बंदा सिदके दिली के साथ तौबा करना चाहता है तो तौबा का दर, तौबा का दरवाज़ा खुला है। तो ये बड़ी बड़ी नेमतें बता रही है कि फस्कुरूनी, तुम मुझे याद करो, वश्कुरूली, और तुम मेरा शुक्र बजा लाओ। तो इसका सिला, इसका जवाब, इसका बदला अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अज़कुरकुम। वाह सुभान अल्लाह, अभी क्या चाहिए? अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें भी याद रखूंगा। इसीलिए इमामना व सैयदना हुजूर मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इरशाद फरमाते हैं नकलियात मियां सिद आलम रहमतुल्लाहि अलैह में, ये नकल शरीफ आई है, इमामना मीरा सैयद मोहम्मद जीवनपुरी मेहदी माऊद बरहक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम अपने हाल व अहवाल को अल्लाह ताला के कलाम कुरान पाक के मुआफिक बना लो तो खुदाए ताला तुम्हें बशारत और खुशखबरी देगा और हम गवाह होंगे। यानि याद इलाही और शुक्र इलाही का सही ज़रिया यह है कि तुम अपने आप को कुरान के मुआफिक ढाल लो, कुरानी अहकामात, कुरानी तालीमात, कुरानी फरमुदात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लो तो खुदाए ताला तुम्हें बशारतों पर बशारतें देगा, गुड न्यूज़ पर गुड न्यूज़ मिलते जाएंगे। और इस बात के हम गवाह हैं, ये इमामना मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। एक और मौके पर इमामना मेहदी अलैहिस्सलाम पूरे कुरान पाक की हकीकत और मारिफत को, कुरान पाक की अजमत को एक सेंटेंस में, एक जुमले में इरशाद फरमा दिया कि अशुक्रु तर्कु शिर्क। शुक्र, शुक्रगुजारी, शुक्रिया अदा करना क्या है? शिर्क को छोड़ देना, अल्लाह की जात सिफात में किसी गैरुल्लाह को शरीक करने को छोड़ देना, तर्क कर देना। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात है। एक मुख्तसर से जुमले में पूरे कुरान पाक की अजमत को, पूरे कुरान पाक की तालीमात को मेहदी अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिया। हर बात में सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत मकसूद हो, इबादत भी हो तो अल्लाह की, चाहत भी हो तो अल्लाह की, पसंद को भी इख्तियार करें तो सिर्फ अल्लाह की, नापसंद को पूरे सच्चाई और खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ छोड़ें तो वो भी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए। इसीलिए कहा गया कि मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह उसका हो जाता है। मेरे प्यारे मोमिन भाइयों और बहनों, इस मौके पर एक बहुत ही मुतासिर कुन और एक बहुत ही तारीखी वाकया इमाम देहलवी रहमतुल्लाही अलैह बयान करते हैं कि इब्ने असाकिर तारीख़ दमिश्क अल कबीर जिल्द नंबर 66 वॉल्यूम नंबर 66 पेज नंबर 325 पर ये वाकया लिखे हैं। ये वाकया सुनिए, सुनने के बाद अपने आप को खुदा के सिपुर्द कर देना, खुदा को सरेंडर कर देना, कितना बड़ा दर्जा दिलाता है इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यही वजह है कि पिछले ज़माने में बड़े बुज़ुर्ग सिखाते थे, घरों में तालीम दी जाती थी कि खुदा को सौंप दो और बरी हो जाओ, यानि खुदा के हवाले कर दो और टेंशन फ्री हो जाओ। ये जो वाकया है, ये वाकया वाकई हमारे लिए बहुत बड़ी रहबरी का ज़रिया बनेगा। और वाकया बयान कर रहा हूँ वजह तख्लीक कायनात सैयदुल मुरसलीन रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबी वसल्लम के जवानी का। अभी नबुवत का इजहार नहीं हुआ, अभी आप पूरे माशरे में सादिक और अमीन की हैसियत से मशहूर व मारूफ हैं। मक्के के बड़े से बड़े इंसान के पास आप इंतहाई काबिल एहतराम हैं। और ये वाकया है हुजूर अकरम नबी मुकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा मोहतरम हज़रत अबू तालिब का। हज़रत अबू तालिब शदीद मर्ज में मुब्तला हैं और मर्ज की शिद्दत ऐसी थी, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि शायद ये मर्ज शिद्दत इख्तियार करते करते मौत के मुँह में पहुँचा देगा। उस वक्त का वाकया है, हज़रत अबू तालिब शदीद बीमार हैं और हुजूर अकरम नबी मुकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मोहसिन हज़रत अबू तालिब की इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, बैठते हैं, पूछते हैं चचा से
خیر خیریت کرتے ہیں تو اس وقت حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بھتیجے آپ اپنے رب سے دعا فرمائیے کہ میں بیماری سے شفا یاب ہو جاؤں صحت پالوں تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا حضرت ابو طالب کے شفا یابی کے لیے اللہ رب العالمین کی جناب اقدس میں دعا کرتے ہیں اور اسی وقت اللہ رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت ابو طالب کو شفا کاملہ عطا کر دیتا ہے، آنن فانن آپ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حبیب کے زبان اقدس سے ریکویسٹ سینٹ ہوئی اور ادھر ایکسیپٹ ہو گئی، کیوں نہ ہوگی، کیونکہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، اب اصل بات سنیے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، ڈیڑھ دو مہینے کے لاک ڈاؤن سے سارے لوگ پریشان ہیں، قیامت کے منظروں کو بھولے ہوئے ہیں، وہاں سے تو کوئی فرار نہیں، وہاں کوئی لیمیٹیشن نہیں، یہ تو مصیبت کبھی نہ کبھی ختم ہوگی۔ رات چاہے کتنی تاریک ہو، کتنی بڑی ہو، کبھی نہ کبھی تو صبح نمودار ہونے والی ہے، لیکن قیامت کے بعد تو پھر کبھی کوئی صبح آنے والی نہیں، وہاں کا لیمیٹیشن کبھی ختم ہونے والا نہیں، وہاں کا زمانہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس منظر کو ذہن میں رکھیے، اور اب اصل بات جو آپ کو میں سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اسے کان کے ساتھ ساتھ دل کے کان بھی کھول کر سنیے، دل کی گہرائیوں سے سنیے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا پر حضرت ابو طالب فوری شفا یاب ہو جاتے ہیں، صحت پالی۔ اب اس کے بعد صحت ملتے ہی چچا محترم حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہتے ہیں کہ یا یبن اخی، اے میرے پیارے بھتیجے، ان ربک الذی تعبد لیطیعک، اے میرے پیارے محبوب بھتیجے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ ضرور آپ کی جلد مان لیتا ہے، اطاعت کرتا ہے، موافقت کرتا ہے۔ اس حدیث شریف میں عربی میں لفظ آیا ہے کہ لا یطیعو کا، وہ آپ کی اطاعت کر لیتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب۔ کس کے تعلق سے؟ میرے اور آپ کے آخا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ یعنی آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں، آپ جب اسے کوئی چیز بولتے ہیں، کوئی فریاد کرتے ہیں، تو وہ ضرور فوراً آپ کی مان لیتا ہے، سن لیتا ہے، موافقت کرتا ہے، آپ جیسا بولتے ہیں ویسا سن لیتا ہے۔ اس کے جواب میں آخائے دو جہاں حضور اکرم نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بات بڑی خاص ہے، وہی بات بہت بڑا میسج ہے آج کی اس پوری تقریر کا، کہ اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو خدا کی قسم خدا کو سونپنے کا جذبہ ہمارے اندر ابھرے گا، سرنڈر ہونے کا جذبہ ہمارے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ سنے تو ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا، وَأَنْتَ لَوْ أَطَعْتَهُ لَكَانَ يُطِيعُكَ، اے میرے پیارے چچا، اور اگر آپ ویسے ہو جائیں جیسے وہ چاہتا ہے تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، کیا پیاری بات میرے آخا نے فرما دی، میرے آخا کنڈیشنل فرما رہے ہیں، اگر آپ ویسے ہو جاؤ جیسے وہ چاہتا ہے تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسا آپ چاہتے ہو۔ اسی بات کو قرآن ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے طور پر فرما رہا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو سنا آپ نے میرے اور آپ کے آخا کا پیغام، یہ بہت بڑا پیغام ہے، اس پیغام کو ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا اصول بنا لیں۔ کورونا وائرس، کووڈ 19 کے دوران، لاک ڈاؤن کے دوران،
ये उसूल बना ले कि जो वो चाहता है वही करेंगे, जो उसका हुक्म है उस हुक्म पर सरे तस्लीम खम कर दें। अल्लाह जिस बात को पसंद करता है उसी बात को हम भी पसंद करें, उसी बात को पसंद करके इख्तियार करें। अल्लाह जिन बातों को नापसंद करता है उन सारी बातों को हम भी नापसंद करें और छोड़ने की हिम्मत पैदा करें। लेकिन अक्सर इंसान गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि अल्लाह दुआ नहीं सुन रहा है, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम खैर खैरात भी कर रहे हैं, हम रोज़े भी रख रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला हमारी नहीं सुन रहा है। तो हमें जायज़ा लेना है, क्या हम वैसे हैं जैसे अल्लाह चाहता है? अल्लाह तो इतना बड़ा अरहमुर राहिमीन है कि वो तो कहता है कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ तो मैं 10 कदम तुम्हें आगे बढ़ कर लेता हूँ, तुम अगर चल कर आओ तो मैं तुम्हें दौड़ कर लेता हूँ। ये अल्लाह का वादा है। यकीनन हम इन सारी बातों को भुला बैठे हैं, दुनिया और आसाइश दुनिया में गुम हो गए हैं, इस वजह से ये मुसीबत हमें बड़ी दिख रही है। लेकिन बड़ी मुसीबत तो आखिरत की है, बड़ी मुसीबत तो क़यामत की है, बड़ी मुसीबत तो महशर की है, बड़ी मुसीबत तो हिसाब व किताब देने की है। उस वक़्त की मुसीबत को पेश नज़र रखिए तो फिर ये मुसीबत नज़र में ही नहीं रहेगी। अब नतीजा यही निकला कि बात को मनवाने के लिए अल्लाह की इताअत, फरमा बरदारी, मुआफ़िक़त, ये सारी चीज़ों को इख्तियार करना पड़ेगा। जब हम अल्लाह की बात मानेंगे तो यकीनन अल्लाह हमारी बात मानेगा। और रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना ऐसा बड़ा महीना है, इबादतों का महीना है, दुआओं को कबूल किए जाने का तयक़ुन दिया गया है, गारंटी दी गई है। बवक़्ते इफ्तार यानि इफ्तार के वक्त की जाने वाली दुआ को लाजमन कबूल करने का अल्लाह ने वादा किया है। तो इफ्तार के वक्त दुआ कीजिए ईमान की सलामती की, दुनिया से ईमान के साथ उठने की, ये बड़ी चीज़ों की दुआ कीजिए। और अल्लाह की पसंद को अपनी पसंद बनाने के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, और अल्लाह की नापसंद को अपनी नापसंद बनाने के लिए भी अल्लाह से दुआ कीजिए। तो फिर यकीन जानिए कि ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हमें ऐसे ट्रेंड कर देगा कि अगले दिनों और अगले महीनों और बरसों में हम अल्लाह ताला की पसंद को ही अपनी पसंद बनाएंगे और अल्लाह की नापसंद को अपनी नापसंद बनाकर सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए मकसद हयात यानि अल्लाह के दीदार की सच्ची तलब और तड़प के साथ इबादतों में मशगूल होने की कोशिशें करेंगे। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि इलाहल आलमीन तो हमारी आसमानों से बड़ी ख़ताओं को, खसूरों को, गुनाहों को बख्श दे, माफ़ फरमा दे और हमें इस बात की तौफीक अता फरमा कि हम इस दुनियावी ज़िंदगी में सिर्फ़ तेरी ही पसंद और नापसंद को इख्तियार करते हुए इस दुनिया की ज़िंदगी और इस दुनिया के सारे उमूर को पूरे इखलास और मोहब्बत के साथ गुजारें। वो सारी बातों से, वो सारे कामों से हम बचे रहें जिनकी वजह से तेरा गज़ब, तेरा कहर और तेरा इताब हम पर नाजिल होता है। रमज़ानुल मुबारक की सारी रहमतें, सारी बरकतें, सारे फ़ुयूज़ हमें हासिल करने की तौफीक, हिम्मत, सलाहियत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।